ऐलान आ गया है। सुरजेवाला ने कहा कि अगले 48 घंटे में आ सकता है फैसला। तो क्या सीएम पर फैसला आने में अब 48 घंटे लगेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त फैसला आने की बात कही जा रही थी, इसलिए सब टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किसी भी वक्त 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है फैसला आ जाए। लेकिन अब ये बड़ा बयान यहाँ पर आया है। अदिति हमारे साथ बनी हुई। अदिति, अभी तक हम इंतजार ये कर रहे थे किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, लेकिन अब सुरजेवाला का ये बड़ा बयान कि 48 घंटे के अंदर फैसला हो सकता है, ये एक अजीब और चौंकाने वाला बयान इसलिए है क्योंकि जहां पे हम बात कर रहे थे कि कुछ चंद लम्हों में ये डिसीजन होगा, जब राहुल गांधी के आवास से तमाम लोग बाहर निकलेंगे और अपने हाथ में या उनके पास वो नाम होगा जिसका जो मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में। लेकिन अगर अभी भी 48 घंटे लगेंगे और इस बयान के मायने समझे जाएं, तो इस बयान के मायने ये हैं कि गतिरोध कम नहीं बढ़ता ही जा रहा है और शायद उस गतिरोध को कम करने के लिए, देखिए सुरजेवाला का बयान अगर आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। और जब सुरजेवाला खुद 48 घंटे का समय दे रहे हैं तो इसका साफ तौर पे मानना है कि गतिरोध बढ़ा है, सचिन पायलट नहीं मान रहे हैं और ऐसे में शायद सचिन पायलट और अशोक गहलोत को थोड़ा और टाइम दिया जाएगा, राहुल गांधी अकेले में बात करनी चाहेंगे, कई और विकल्पों के बारे में सोचा जाएगा, दोनों को संतुष्ट किया जाएगा और शायद इसी के चलते अगले 48 घंटे का समय लग सकता है जैसा सुरजेवाला कह रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, अभी जब हम पीसीसी की विजुअल्स दिखा रहे थे तो उसमें जो बोर्ड लगा हुआ था जहां पर विधायक दल की बैठक का जो एक बैनर था उसमें वो तारीख थी 14 तारीख, उसको कई बार मिटाकर वापस रंगाया गया है और इस बयान के बाद लगता है कि 14 के बाद उस तारीख को 17 भी किया जा सकता है, क्योंकि 48 घंटे का समय तो फिलहाल सुरजेवाला कह रहे हैं, फिर भी हम इस प्रदेश की जनता के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो रात रात भर खड़े हैं, उनके लिए यही उम्मीद लगाते हैं कि गतिरोध थमे और कुछ देर में डिसीजन आए ताकि वो पूरा जो ग्रुप है कोर ग्रुप वो दिल्ली से जयपुर रवाना हो, विधायक दल के सामने अनाउंसमेंट हो और जल्द शपथ ली जाए और प्रदेश के विकास के कार्य इस नई सरकार द्वारा शुरू हो। लेकिन बहुत चौंकाने वाले बयान है और इससे साफ जाहिर होता है कि सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और अब 48 घंटे की बात कही जा रही है, कितना वक्त लग सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता है, दोनों को मनाना जरूरी है और मनाने की कवायद ही जारी है और इसलिए महामंथन बैठक का दौर भी जारी है। सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हम आभारी हैं एक व्यापक जनादेश के लिए, एक प्रक्रिया है वार्तालाप की, आपस में मंथन करने की, ताकि एक बेहतरीन सरकार का हम गठन कर सके। और मध्य प्रदेश का निर्णय कल हो गया, बाकी दोनों प्रांतों का निर्णय भी आज और कल के अंदर हो जाएगा, इसमें कोई ना देरी हो रही, ना कोई विवाद है, ना किसी प्रकार का मतभेद है। इसलिए मैं आपको फिर अनुग्रह करता हूँ, काशी ये सवाल मोदी जी से भी पूछ लेते, जब उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को नतीजे आए और 19 मार्च को वहां सरकार बनाई थी, तो उस समय किसी ने मोदी जी से यह सवाल नहीं पूछा कि आदित्यनाथ जी को चुनने में उन्होंने 8 दिन क्यों लगा दिए। पार्टी की अपनी मंत्रणा की प्रक्रिया है और आप ये पाएंगे कि अगले 48 घंटे के अंदर ये निर्णय हो जाएगा। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी एक सबल, सक्षम और जनता के हक वाली सरकार का हम गठन कर पाएंगे। चलिए, अगले 48 घंटे में फैसला हो जाएगा, ये कहना है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। की बैठक दिल्ली में जारी है, नजरें लगातार जयपुर से दिल्ली तक फर्स्ट इंडिया की बनी हुई है। अब बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।